गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आज है 12th of June और आज की करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं विद हम लेटेस्ट करंट अफेयर्स। ओके, तो फर्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं हम। तो उससे पहले देख लेते हैं आज कौन सा डे मनाया गया। तो आज है 12th of June और आज कौन सा डे मनाया जाता है, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। जो भी अपने देश में या वर्ल्ड में जो भी चिल्ड्रन से 14 ईयर से एज कम के, तो उनके प्रोटेक्शन के लिए वो काम ना करें, लेबरियस वर्क नहीं करे, इसके लिए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली क्या करती है, ये 12th of June को वर्ल्ड अगेंस्ट चाइल्ड लेबर डे मनाती है। तो इस बार इसके थीम क्या रखा गया, चिल्ड्रन शुड नॉट वर्क इन फील्ड बट ऑन ड्रीम्स। मतलब बच्चे हैं ना, काम ना करें, ये उनके लाइफ स्टाइल नहीं है, उनके ड्रीम्स पूरे करें, वो एक एजुकेशन ले और जो भी उनका प्रोफेशनल वर्क है वो सीखे। ठीक है, तो ये किस लिए किया जाता है, ताकि जो भी चाइल्ड है उनको लेबरियस वर्क नहीं करवाया जाए वर्ल्ड वाइड। ठीक है, तो इसको ऑर्गेनाइज कौन करती है, ये करती है ILO। ILO मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका फाउंडेशन कब हुआ था, 1990। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ये पूछ लिया जाता है, याद रखना आप, ILO का हेडक्वार्टर कहाँ है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, और इसके डायरेक्टर जनरल क्यों है, गे राइडर, और इसमें 187 मेंबर कंट्रीज है, जो कि यूनाइटेड नेशन की 193 कंट्रीज में से है। ठीक है, तो याद रखना 12th of June रिलेटेड टू वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, और थीम क्या है, मतलब शुड नॉट वर्क इन फील्ड बट ऑन ड्रीम्स, और इसका ILO का हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड। ये 3 पॉइंट तो याद रखना आप, डे, थीम और कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है ILO का, फाउंडेशन ईयर भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आज के फर्स्ट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पे चलते हैं। वो कौन सी कंट्री है जिसने 2021 तक प्लास्टिक के सिंगल यूज पे बैन कर दिया है। तो इससे पहले तंजानिया थी, और अभी कनाडा ने किया है। ये कनाडा की कैपिटल क्या है, ओटावा, यहाँ की करेंसी कैनेडियन डॉलर, और ये किसने अनाउंसमेंट किया था, जस्टिन ट्रूडो ने। ठीक है, तो याद रखना आप, कनाडा ने क्या कर दिया, 2021 तक सिंगल यूज ऑन प्लास्टिक को बैन कर दिया है। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं हम। एक साइक्लोन आया है, ये आया है गुजरात की कोस्टल लाइन पे, इसको क्या नाम दिया गया है, वायु। ठीक है, लगभग इसकी 110 से 120 किलोमीटर स्पीड है। ठीक है, तो सबसे बड़ी कोस्टल लाइन किसकी है, गुजरात की है, क्योंकि जो हमारा ये सी एरिया है ना, यहाँ से ये इंडिया का, तो यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा है, ये है अबाउट 1950 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। तो अभी एक इंडियन ओशियन का एक आइसलैंड है जिसपे 414 मिलियन पीसेस ऑफ प्लास्टिक मिले हैं उस बीच पे, जो कि बहुत ज़्यादा प्लास्टिक पोल्यूशन को बता रहा है। तो ये कहाँ पे मिले हैं, कोकस किलिंग, ये कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया के पास में ही है या आइसलैंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जोरासिक पार्क बना है, मतलब डायनासोर का, तो डायनासोर म्यूजियम कम पार्क जो कि बना है रियोली मानेसर डिस्ट्रिक्ट में, तो ये मानेसर डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, ये है गुजरात में। तो इसके साथ ही क्या हुआ, ये पार्क बनने के साथ ये जोरासिक बैंड वेगन में शामिल हो गया है गुजरात स्टेट। याद रखना है, ये रेलवे के एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, और आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो एक वर्कशॉप बनाई है, वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की है हीट वेव 2019। तो ये किसने की है, ये महाराष्ट्र में नागपुर में की गई है। ठीक है, याद रखना। जैसा कि आपको पता है, भारत में BS4 वाले स्टेज के व्हीकल्स बंद होने वाले हैं 2020 से। ठीक है, तो अभी क्या हुआ, इंडिया का फर्स्ट TAC मतलब टाइप अप्रूवल सर्टिफिकेट फॉर भारत स्टेज 6 BS6 जो चलेंगे व्हीकल टू व्हीलर के लिए, ये कहाँ सेगमेंट लॉन्च हुआ, ये हुआ न्यू दिल्ली में, और ये हमारी ICAT का हेडक्वार्टर कहाँ है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी, ये है मानेसर हरियाणा में। ठीक है, याद रखना आप, इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं।
तो G7 की समिट होने वाली है 2019 में, ठीक है। ये कहाँ पे होगी, जिसके लिए इंडिया को इनवाइट किया है, इंडिया इसका मेंबर कंट्री नहीं है, ठीक है ना। तो ये हुई है नोवली एक्वेंटिक फ्रांस में, ये होगी अगस्त 2019 में। कौन से नंबर की ये पूछ लिया जाएगा, 45th की। तो 2018 में कहाँ हुई थी, जर्मनी में, 44 नंबर की, बेवेरिया में, ठीक है। और नेक्स्ट 2020 में कहाँ होगी, यूएस में, ठीक है ना। तो ये 46 नंबर की होगी। ये तीनों ही याद रखना आप, 2019 फ्रांस, 18 में जर्मनी में, और 2020 में G7 ये यूएसए में। G7 और G20 ये दोनों डिफरेंट है, तो इनमें कंफ्यूज मत होना कि कौन सी कहाँ पे हो रही है, ठीक है। और G7 कंट्रीज के मेंबर कौन कौन से, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, यूएस। तो इसको अपन शॉर्ट फॉर्म में भी याद रख सकते हैं, जैसे आपको अल्फाबेट याद है ना, EFG, ठीक है। फिर जे को स्किप, फिर क्या कर सकते हैं, GH को स्किप कर दो, IJ। तो F से फ्रांस, G से जर्मनी, I से इटली, J से जापान, और लास्ट में U का याद रख लेना, U से UK, U से US, ठीक है, ये याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, ATP कप जो मेंस टेनिस टूर्नामेंट है 2020 में, इसमें 24 टीम पार्टिसिपेट करेगी, इसका फाइनल कौन कहाँ पे होगा, ये होगा सिडनी ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यस बैंक है, उसके 2 साल के लिए इंटरिम एडिशनल डायरेक्टर किसको बनाया गया है, तो वो रामा सुब्रमण्यम गांधी को बनाया गया है, ये फुल टाइम नहीं है, 2 साल के लिए, ठीक है। तो यस बैंक की हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में, राणा कपूर इसके फाउंडर है, ये 2004 में बना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं, अभी लोकसभा के प्रो टेम स्पीकर किसको बनाया है, बीजेपी के वीरेंद्र कुमार को। तो इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी एग्जाम में पूछने के 100% चांस है, तो ये टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से है, ये देख लेना आप, किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिलेगा इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी, ठीक है। क्योंकि इनका नाम अभी तक ज्यादा चर्चा में नहीं आया है, तो इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी पूछ सकते हैं कि प्रोटेम स्पीकर लोकसभा के इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, CVC विजिलेंस कमिश्नर, मतलब सेंट्रलाइज विजिलेंस कमिश्नर के, जो कमिश्नर किसको नियुक्त किया है, ये शरद कुमार को किया है, ये इम्पोर्टेंट है रेलवे के एग्जाम के लिए। अभी किस बैंक ने होम लोन लिंक के लिए रेपो रेट से एसेट किया है, तो ये किया है SBI ने, ठीक है। तो ये इसके साथ ही कंट्री का सबसे बड़ा लार्जेस्ट बैंक बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, अब जैसा कि आप देख रहे हैं SSC के एग्जाम में वो नेबर कंट्रीज से काफी क्वेश्चन पूछ रहा है, कुछ भी टॉपिक लेके, तो हो सकता है इनकमिंग रेलवे के एग्जाम में भी वो अपने नेबर कंट्रीज से रिलेटेड पूछ सकता है, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर और जो हमारे होम मिनिस्टर है एस जयशंकर, ये सब कहाँ गए हैं अभी, आउट आउट ये नेबर कंट्रीज के विजिट पे गए हैं। तो पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट कितनी प्रोजेक्ट की थी, 6.3, बट कितनी है, 3.3 जून तक, ठीक है। तो याद रखना आप, क्योंकि उनसे रिलेटेड काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे मेरे एक क्वेश्चन आया था कि फाउंड कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान का कब बना था, तो ये बना था 1973 को। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं आजकल एग्जाम में। तो इंडिया किस कंट्री में क्रिकेट स्टेडियम बनाएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बनाएगा मालदीव, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर वहां की विजिट पे गए थे, ठीक है, और उन्होंने उनको भेंट भी समर्पित किया था और वहां का ऑनर भी उनको मिला था, ठीक है। तो अभी सेकंड जगह कहाँ पे गए PM नरेंद्र मोदी जी, श्रीलंका। तो श्रीलंका में उनको बुद्ध स्टेचू किसने दी है, तो ये दी है मैत्रीपाल सिरिसेना, जो कि श्रीलंका के क्या है, प्रेसिडेंट है। और रानी विक्रम सिंह वहां के क्या है, प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। श्रीलंका की कैपिटल है श्री जयवर्धन पुरे कोटे, और एक और है जो कोलंबो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और आज के क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं। कल मैंने आपसे जो भी सोशल साइट्स अपन यूज करते हैं उनके फाउंडर एंड CEO के क्वेश्चन काफी एग्जाम में आ रहे हैं, ठीक है ना। तो रेलवे का ज्यादातर ट्रेंड यही होता है कि वो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। तो गूगल के बारे में देख लेते हैं, गूगल का फाउंडर कौन था, लेरी पेज, ठीक है, और सर्च बीन, ठीक है। अभी फाउंडर कौन है गूगल के,
ये है हमारे इंडिया के सुंदर पिचाई, ठीक है। गूगल की हेडक्वार्टर कहाँ है? कैलिफोर्निया में, और इसका फाउंडेशन कब हुआ था? 1998 में, ठीक है। नेक्स्ट यूट्यूब, यूट्यूब को किसने किया था? चैड हैडली, स्टीव चैन और जेविड करीम, इन तीन जनों ने मिलकर ये यूट्यूब बनाया था। कब बनाया था? 2015 में, 2005 में सॉरी। और इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है? सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया में, ठीक है। और अभी कौन इसकी है सीईओ है? सुसान वोजस्की, ठीक है ना। इनका क्वेश्चन ये आ चुका है रेलवे ग्रुप डी में, ठीक है। इंस्टाग्राम की फाउंडर कौन है? केविन सिस्टम। और अभी कौन है इसका फाउंडर? एडम मोसेरी, ठीक है। इंस्टाग्राम कब शुरू हुआ था? 2010 में। और माइक क्रीगर भी साथ में से क्या है ये फाउंडर। ट्विटर, ट्विटर का फाउंडेशन हुआ था 2006 में, और इसकी हेडक्वार्टर है सैन फ्रांसिस्को यूएसए में। इसका फाउंडर कौन है? जॉक डोर्सी, जॉक पीटर डोर्सी और बिजस्टोन और इवन विलियम्स और नक ग्लास। तो ये चार जनों ने मिलकर ट्विटर बनाया था। व्हाट्सएप, व्हाट्सएप 2010 में बना था, और इसको फाउंड किसने किया था? ब्रेन एक्शन में और जेन कोरम ने, ठीक है। तो व्हाट्सएप की हेडक्वार्टर भी कहाँ है? कैलिफोर्निया में, ठीक है। और याहू, याहू हुआ था 1994 में स्टार्ट, और इसके फाउंडर थे जेरी यंग, और अभी कौन फाउंड ये इसके सीईओ? डेविड फिलियो, ठीक है। स्नैपचैट, स्नैपचैट हुआ था 2003 में स्टार्ट, और स्नैपचैट की हेडक्वार्टर कहाँ है? लग्जमबर्ग सिटी। और इनको किसने स्टार्ट किया था? जेनस फ्री ने और निकलास ने। अभी कौन है इसके सीईओ? स्टीव बेलमर। फेसबुक के फाउंडर कौन है? फेसबुक के फाउंडर है मार्क जकरबर्ग। फेसबुक स्टार्ट हुआ था 2004 में, इसकी हेडक्वार्टर भी कैलिफोर्निया में। स्काइप चैट, इसके फाउंडर है टोनी बैट्स, और ये 2003 में स्टार्ट हुआ था, इसकी हेडक्वार्टर भी कैलिफोर्निया में। तो ये सब इम्पोर्टेंट है सोशल साइट्स, इनके बारे में आप भी डाटा कलेक्ट करके लर्न कर लेना, क्योंकि काफ़ी बार हेडक्वार्टर, इनका फाउंडेशन डेट और इनके प्रेजेंट सीईओ पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, मेरा फेवरेट क्रिकेटर था युवराज, तो उनसे ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ मैं। तो उन्होंने अभी रिटायरमेंट किया है, तो उनके बारे में कुछ क्वेश्चन से, जैसे उन्होंने किसके अगेंस्ट डेब्यू किया था वनडे में, कहाँ पे और कौन सी टीम के अगेंस्ट, और कितने रन बनाए थे, ये सब आप कमेंट करके बता सकते हैं। युवराज सिंह ने कौन से वर्ल्ड कप में किस टीम के अगेंस्ट सिक्स, मतलब सिक्स वन ओवर में सिक्स सिक्स लगाए थे, जो कि बहुत ज्यादा हिस्ट्री में फेमस है, ठीक है। और आईपीएल की कौन कौन सी टीमों के लिए युवराज सिंह बदल बदल के मतलब खेले हैं, जैसे आपको पता होगा ही सिंह, मैं नाम नहीं बताऊंगा कौन कौन सी टीम के लिए वो खेले हैं, क्योंकि मैक्सिमम वो दो से ज्यादा के लिए खेले हैं, तो इसलिए मैंने उनका एडिशन लिया, ठीक है। युवराज सिंह जब इंडियन क्रिकेट टीम में आए थे, उससे पहले उन्होंने अंडर 19 वर्ल्ड कप में इंडिया को जिताया था, तो वो कब हुआ था वर्ल्ड कप, ठीक है। और युवराज सिंह की एक ब्रांड कंपनी कपड़ों के लिए, उसका नाम भी बताइएगा। तो आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, और इन इसके क्वेश्चन के आंसर भी कमेंट करना, और कुछ भी नया एडिशन करना हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो प्लीज़ सपोर्ट करना और शेयर करना जिन लोगों की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मतलब बैंक एसएससी की, ठीक है ना। थैंक्स गाइस, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर गवर्नमेंट जॉब एग्जाम। ओके, बाय बाय, थैंक।